मतलब गांधी परिवार का नाम लेके कब तक बचते रहेंगे? जवाब तो देना पड़ेगा। 2022 में आय दुगनी करने के लिए कहते थे, लेकिन किसान की तो हाय दुगनी हो गई। तो वो सिलेंडर और लौकियों की और प्याज की माला लेके बैठ जाती थी, आज कहाँ है वो स्मृति ईरानी? जवाब दे आकर। हिंदू राष्ट्र होता करके तो दे, घोषित करे ना, आके सामने आए पटल पे कहें कि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाता है। देखिए ऐसा ये अब्दुल की चूड़ियां टाइट करने के चक्कर में जो ना बहुसंख्यक की चूड़ी फेल कर देंगे। मजदूर का बेटा वहां जाता है और सीमा की सुरक्षा करता है, ये अपने ऑफिसों से बैठ के झूठे सच्चे अपने बयान पेश करते हैं। देखिए अडानी मुद्दे को जिस तरीके से डाइवर्ट करने की कोशिश भाजपा सरकार की है, भाजपा सरकार राहुल गांधी जी के पीछे अगर पड़ी है तो अपनी नाकामी उनके पीछे छिपाने की कोशिश कर रही है। भाजपा को माने प्रधानमंत्री जी को आकर, गृह मंत्री जी को आकर जवाब देना चाहिए दोनों सदनों में। वो राहुल गांधी जी का नाम लेके ये पिछले 8 साल से जो सत्ता का खेल खेल रहे हैं, सारी नाकामियाँ कभी राहुल गांधी, कभी इंदिरा गांधी, कभी नेहरू गांधी, कभी सोनिया गांधी, मतलब गांधी परिवार का नाम लेके कब तक बचते रहेंगे? जवाब तो देना पड़ेगा। जवाब का टाइम भी आ गया, 24 की तैयारियां कर रहे हैं। अडानी जी का इनको जवाब देना है, अंबानी जी पर जवाब देना है, महंगाई पर जवाब देना है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास पर साथ जवाब देना है। कहना तो इनका ये था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, लेकिन सबका साथ ना देकर सबके साथ आघात किया है, किसानों के साथ, युवाओं के साथ विश्वासघात किया है। मोदी सरकार आके कम से कम ये तो स्पष्टीकरण दे कि तुमने युवाओं को कितनी नौकरियां दी, तुमने महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बोलते थे उस पर क्या रहा, आप किसानों की 2022 में आय दुगनी करने के लिए कहते थे लेकिन किसान की तो हाय दुगनी हो गई। आम आदमी महिला की सुरक्षा रसोई की बात करते थे कि हम महिलाओं को भी सम्मान देंगे, लेकिन जो सिलेंडर यूपीए शासनकाल में 350-400 रुपये का हुआ करता था आज 1200 रुपये के आसपास पहुंच रहा है। तो माने गृह मंत्री माने जो निर्मला सीतारमण जी हैं वित्त मंत्री जी, आकर खुद एक महिला का दर्द नहीं समझ पा रही। और जो एक हमारी हुआ करती थी स्मृति ईरानी, जब 20 रुपये 10 रुपये 5 रुपये सिलेंडर भी यूपीए सरकार में बढ़ जाते थे तो वो सिलेंडर और लौकियों की और प्याज की माला लेके बैठ जाती थी, आज कहाँ है वो स्मृति ईरानी? जवाब दे आकर। नहीं दे पाएंगे, इन्होंने देश को इतना अपंग और बेकार कर दिया है। आज आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है, जीडीपी हमारा कहाँ गया है? हिंदुस्तान में आज जो है किसान भुखमरी के कगार पे खड़ा है, नौजवान बेतहाशा है। संबित पात्रा ने कहा है कि राहुल गांधी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से मदद मांग रहे हैं। देखिए ये जो है संबित पात्रा एक क्या बोलते हैं आपको, जोकर के अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगा, उसकी बातों का अगर जवाब देना तो टाइम की बर्बादी है। लेकिन फिर भी अगर उन्होंने कहा था जवाब देना चाहता हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी से हम पे आरोप लगाते हो, पेगासस इसराइल से आप लाते हो, आपके मंत्री जाके अमरीका और बाहर देशों में जाके उल्टा अनाप शनाप देश के बारे में बोलते हैं, उसके बारे में तो नहीं बोल पाते ये लोग, जबान बंद हो जाती है। क्या हुआ था जब ये सुखविंदर सिंह जिसको कश्मीर में पकड़ा था वो कह रहा था हमारा गेम है, इसको सर छोड़ दीजिएगा गेम खराब हो जाएगा, उसके बारे में भी तो बोले संबित पात्रा या सुधांशु त्रिवेदी जी, इसके लिए नहीं बोल पाएंगे ये लोग। बस गांधी परिवार के पीछे उसके पीछे खड़े होकर अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन लगातार लोग ये कह रहे हैं कि अब तो देश विश्व गुरु बन रहा है, देश जो है उसको दुनिया में पहचान मिली है। कांग्रेस के टाइम ऐसा नहीं था, कांग्रेस के टाइम में ऐसी पहचान मिली वो कांग्रेस ही थी जो 1947 से लेकर सन 2014 तक जितने भी कीर्तिमान अगर हिंदुस्तान में जो भी हुआ उसको कांग्रेस ने ही किया, चाहे आईटी सेल का हो चाहे एजुकेशन का हो। हाँ इनके में विश्व गुरु बन रहा है, महामारी में बेरोजगारी में किसान की आमदनी में, मतलब कहाँ कहाँ आप इतने सारे मुद्दे हैं। अब ये बड़बोला बन अपने मुंह से करे जाए तो इसका कोई जवाब नहीं है। विश्व गुरु कोई आके तो बताए कि किस चीज़ में हम विश्व गुरु बनने हैं, कोई भाजपा का कोई प्रवक्ता कोई भाजपा का नेता। आप ये बेरोजगारी दर आज विश्व में सबसे ज़्यादा अगर कहीं है तो हिंदुस्तान में है, जबकि हमारे 23% युवा 23% युवा आज बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। तो इसमें ये विश्व गुरु है भ्रष्टाचार में, भ्रष्टाचार में विश्व गुरु हो रहे हैं। क्या करा है? अरे ईडी सीबीआई कार्रवाई कर रही है अपनी, पता है आपको? सीबीआई कार्रवाई कर रही है, सीबीआई वहाँ कार्रवाई कर रही है जो इनके अगेंस्ट अगर इनकी कमी बताएंगे आप तो आप पे भी कार्रवाई होगी।
शायद, लेकिन जो इनकी जो इनके साथ रहेगा, इनके पास जो वॉशिंग मशीन है ना, जिसमें जाइएगा कितने भ्रष्टाचारी हो उसमें डलता है और साफ होकर निकल जाता है। तो ये बेईमानी है मोदी सरकार से उम्मीद लगाना कि देश में कोई रोजगार भी आएगा, देश में कोई तरक्की आएगी, ये बेईमानी है। हिंदू राष्ट्र हो रहा है, हिंदू राष्ट्र होता करके तो देख घोषित करें ना, आके सामने आए पटल पे कहें कि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाता है, करें इस हिम्मत को। आरएसएस कहता है कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, मोदी के बेलगाम मंत्री जो माहौल ख़राब करना चाहते हैं वो कहते हैं देश जो है हम हिंदू राष्ट्र करें। अरे मिलके करिए तो सही, अभी एक हिंदू राष्ट्र नेपाल भी बना था, उसका भी देख लीजिए क्या क्या हुआ है उसके साथ। तो ये सब खामे खा एक बचकाना बातें करना, माहौल तैयार कर रहे हैं लोग, अभी तक क्या कब तक चले जाएंगे? सन 2014 से लेकर आज तक हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद राम मंदिर, 24वें राम मंदिर बनने की पूरी ये कहते हैं इनके मंत्री तैयारी है। तो उस राम मंदिर से बनने, अच्छी बात है बनना चाहिए, बन भी गया, लेकिन उनका क्या रोल है उसमें? तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सरकार ने इसमें ऐसा क्या कर दिया कि और सुप्रीम जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर के बारे में बोल रहे हैं, वहाँ के लोकल और वहाँ के जो लोग हैं उनसे पूछो जाकर कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया है। वही ज़मीन 5 लाख रुपये खरीद के फिर 40-50 लाख रुपये बीघा अपने दोस्तों को दे रहे हैं, वहाँ तो ये लोग मंदिर के नाम पर धर्म के नाम पर कमा रहे हैं, आम आदमी के नाम पे कमा रहे, महिलाओं के नाम पे कमा। मशीन इन्होंने तो सरकार ना बना के भाजपा इंडस्ट्रियल एक फैक्ट्री खोल दिए, जो इनके साथ रहेगा इनकी सी कहेगा उसे कमाओ, जनता जाए भाड़ में। महिलाओं के सम्मान की बात ये नहीं करते, युवाओं के रोजगार की बात नहीं करते, किसानों की बात ये नहीं करते, इनको तो सिर्फ सत्ता से मतलब है और पैसे से। क्या कहना राहुल गांधी माफी मांग के संसद में भी और पीसी करके भी कह रहे हैं कई कई मंत्री इनकी बात? देखिए माफी मांगनी चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्या कहा था उन्होंने विदेश में अमेरिका में जाकर, चोरों का देश है, 100-100 करोड़ लेते हैं, 200-200 करोड़ रुपए लेते हैं। मोदी जी इसका मतलब आपके मंत्री लेते हैं, आपके लोग लेते हैं, क्या कहा था जाके यूएनओ में जब खड़े कह रहे थे मुझे 600 करोड़ भारतीयों ने वोट दिया, अरे मालिक 35 से 40 करोड़ की आबादी। और दूसरा ये कि जिस तरीके से माने नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे, एक भ्रमण किया था इन्होंने, बस हिंदुस्तान आते थे तो कपड़े बदलने आते थे, जब इतने विदेशी दौरे आपने किए हैं, कितना इन्वेस्ट यहाँ पर आया, कितना हम विश्वास जमा पाए विदेश में जाकर, कितना विदेशों से हमारे यहाँ रोजगार आ चुका। मोदी जी ने लोकतंत्र मजबूत बनाया है और राहुल गांधी जी विदेशों में जाके लोकतंत्र का माफ करिएगा ऐसे लोकतंत्र का, नरेंद्र मोदी जी का यही लोकतंत्र है। जो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बैठी हुई है, अन्नगर में एनकाउंटर हो रहे हैं, बुलडोजर गरीब लोगों पर चलाया जाता है, क्यों ना चिम्मानंद स्वामी पर चलाया जाए बुलडोजर, क्यों ना कुलदीप सिंह सेंगर पर चलाया जाए बुलडोजर, इनकी पार्टी के गुंडे होंगे तो उन्हें सम्मानित किया जाएगा और एक विशेष समुदाय को टारगेट करके उसके खिलाफ चले। मुस्लिम टाइट हो रहा है, देखिए ऐसा ये अब्दुल की चूड़ियाँ टाइट करने के चक्कर में जो ना बहुसंख्यक की चूड़ी फेल कर देंगे इनका, धूल चटा देंगे विपक्ष को, विपक्ष कहीं धूल चटाने वाली बात नहीं है। इनके जो सहयोगी दल हैं बहुत सारे अंधभक्त ये कहते हैं कि शेर अकेला है, शेर के साथ 17 पार्टियां चलती हैं, 56 इंच का शेर है, 56 इंच का उनका बलियान या नहकर आता होगा, छीना नहीं है, चीन के नाम पे जबान बंद हो जाती है, डंके की चोट, जरा कहें तो सही सदन में खड़े होके, जयशंकर कहते हैं खड़े होके, मैंने खुद पढ़ा है अमर उजाला अखबार में, मैं आपको अखबार का भी नाम बताता हूँ कि लद्दाख की सीमा पे बहुत स्थिति चिंताजनक है। एक बयान रक्षा मंत्री या गृह मंत्री का कोई आया आज तक संसद की कार्रवाई को लेके? तब 140 करोड़ रुपए का आज तक जनता का नुकसान हो चुका, उनकी घर से नहीं जा रहा, आपके और मेरी जेब से जा रहा है। भारत पर आंख उठा के देखिए, LHC पर जाइए, चीन जाइए तो सही, गृह मंत्री वहां का दौरा तो करे, रक्षा मंत्री जाए तो सही, वहां घर में बैठ के बात बनाने से कोई सीमाएं सुरक्षित नहीं हुआ करती। उसके लिए आपको और मुझे, किसान के, नौजवान के, मजदूर आदमी, मजदूर का बेटा वहां जाता है और सीमा की सुरक्षा करता है, ये अपने ऑफिसों से बैठ के झूठे सच्चे अपने बयान पेश करते हैं। सच्चाई से जिस दिन रूबरू होंगे शायद आप भी गाली देते नजर आएंगे। राहुल जी कब मांगेंगे माफी? राहुल जी क्यों माफी मांगे? माफी मांगेंगे प्रधानमंत्री, माफी मांगेंगे गृह मंत्री, माफी मांगेंगे रक्षा मंत्री, माफी मांगेगी वित्त मंत्री, राहुल गांधी क्यों माफी मांगेंगे?